आज योगी सरकार का छठवां बजट सदन में पेश किया गया। 6,15,518,97,00,000 रुपये का है बजट। योगी के इस बजट में अयोध्या को दी गई है तरजीह। योगी सरकार ने लगातार छठवां बजट पेश किया। यूपी का बजट 6.15 लाख करोड़ से अधिक। यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा है यह बजट। सीएम लघु सिंचाई योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये की गई है व्यवस्था। 3 महिला PSC बटालियन गठित होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत टॉपर छात्राओं को लैपटॉप। मिशन शक्ति को 20 करोड़ का बजट। 5 साल में 2 करोड़ फोन और टैबलेट बांटेगी योगी सरकार। युवा अधिवक्ताओं के लिए 10 करोड़ रुपये। 3 साल तक किताब और पत्रिका खरीद सकेंगे। बनारस में क्रिकेट स्टेडियम के लिए 95 करोड़। मेरठ में ध्यानचंद यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़। 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य। माध्यमिक शिक्षा में 7,540 पदों पर भर्ती करेगी सरकार। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 पद भरे जाएंगे। वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपये की गई। दिव्यांग अनुदान 300 से बढ़ाकर 1,000 किया गया। 1,000 रुपये प्रतिमाह दिव्यांग अनुदान अब दिया जाएगा। अटल आवासीय विद्यालय के लिए 300 करोड़ का बजट किया गया पेश। ENHM के तहत 10,547 करोड़ का बजट। आशा कार्यकर्तियों के लिए 300 करोड़ का हुआ बजट पेश। अटल बिहारी विश्वविद्यालय लखनऊ के लिए 100 करोड़। 14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ का बजट। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के लिए 897 करोड़। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे डिफेंस कॉरिडोर के किनारे विकास कार्य होंगे। ग्रीनफील्ड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 500 करोड़। मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 695 करोड़। PWD की सड़कों के लिए 18,500 करोड़ का बजट किया गया पेश। काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़ का बजट। बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ का बजट। नमामि गंगे में जल जीवन मिशन को 19,500 करोड़। प्राइवेट ट्यूबवेल के बिजली बिल में 5% छूट मिलती रहेगी। बिजली में रिवैम्प के लिए 31,000 करोड़ का बजट। बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा। कल्याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्नत योजना चलाई जाएगी। योजना में गांव में सोलर लाइट लगाएगी सरकार। अयोध्या में सूरजकुंड विकास को 140 करोड़। कानपुर मेट्रो रेल को 747 करोड़ का बजट किया गया पास। आगरा मेट्रो रेल का 597 करोड़ का बजट। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को 1,306 करोड़ रुपये का बजट। बनारस और गोरखपुर में भी मेट्रो रेल सेवा शुरू होगी। बनारस और गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ का बजट। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 1,353 करोड़ रुपये का बजट। कुंभ मेला प्रयागराज के लिए 100 करोड़। बुंदेलखंड की विशेष योजना के लिए 500 करोड़। बनटंगिया और मुसहर आवास के लिए 508 करोड़। PM ग्राम सड़क योजना के लिए 7,373 करोड़ का बजट पेश किया गया। कृषि क्षेत्र में 5.1% विकास दर पाने का लक्ष्य। गन्ना भुगतान के लिए 1,000 करोड़ का बजट। कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु के लिए 100 करोड़। चीनी मिल स्थापना के लिए 380 करोड़ का बजट पेश किया गया। इसी तरह बांदा कृषि विश्वविद्यालय के लिए 8,58,00,000। प्रदेश में 1.86 लाख लीटर दूध रोज पैदा होता है। दुग्ध उत्पादकों के लिए नंद बाबा पुरस्कार शुरू होगा। मथुरा में 3,000 लीटर का नया डेयरी प्लांट लगेगा। किसानों को कोऑपरेटिव ऋण के लिए 300 करोड़। अयोध्या में सिपेट केंद्र बनाने के लिए 35 करोड़। स्कूल चलो अभियान में 2 करोड़ छात्रों को नामांकन का लक्ष्य। समग्र शिक्षा अभियान के लिए
18,670 करोड़ रुपये, निःशुल्क यूनिफार्म के लिए 370 करोड़ का बजट। वाराणसी में संत रविदास और संत कबीर सत्याग्रह बनेगा। दोनों संग्रहालयों को 25-25 करोड़ का बजट मिला है। राम जन्मभूमि मंदिर सड़क निर्माण के लिए 300 करोड़, अयोध्या में जनसुविधाओं और पार्किंग के लिए 209 करोड़, वाराणसी में गंगा तट से काशी विश्वनाथ तक सड़क के लिए 77 करोड़, बनारस में पर्यटन सुविधा के लिए 100 करोड़, अयोध्या में पर्यटन सुविधा के लिए 100 करोड़। इस साल वृक्षारोपण अभियान में 35 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। गोरखपुर चिड़ियाघर के लिए 50 करोड़ का बजट। अरबी फारसी मदरसा में 479 करोड़ का बजट। अल्पसंख्यक समुदाय छात्रवृत्ति योजना में 795 करोड़। प्रयागराज लॉ यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ का बजट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए 705 करोड़ का बजट। जजों के कोर्ट और आवास के लिए 600 करोड़ का बजट। कचहरी में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 50 करोड़। अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए 90 करोड़ का बजट पेश किया गया है। अधिवक्ता चैम्बर निर्माण के लिए 20 करोड़ का बजट। राज्य आपदा के लिए 2,165 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। यदि इस पूरे बजट का समीक्षा किया जाए तो इसमें अयोध्या को विशेष तरजीह दी गई है, जिसे लेकर अयोध्या वासियों में खुशी की लहर है।